याद रखिए, जब गुजरात के चुनाव थे तो इनके खासम खास और उनकी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे हुए व्यक्ति, उन्होंने उस दिन बोल दिया कि मोदी तो नीच है नीच। किसी ने बोल दिया ये तो नीच जात का है। और गुजरात में तूफान खड़ा हो गया तो उन्होंने ड्रामा किया, उनको पार्टी से निकाल दिया, दिखावा किया और थोड़े दिन बाद फिर से वापस लेकर के फिर से उनको अपने साथ जोड़ दिया। जैसे ही ये पंजाब के चुनाव की सरगर्मी पूरी होगी फिर से वो अपने गुरु को गले लगा करके निकल पड़ेंगे। भाइयों बहनों, गुजरात में जिसने गालियां दी थी, मेरे लिए अत्यंत खराब शब्द प्रयोग किए थे, उन्होंने भी फिर से कल फिर से बोल दिया वही बात जो उस समय बोली थी। लेकिन कांग्रेस ने उस समय ड्रामा किया था, फिर वापस लिया था, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया, ये कांग्रेस की सोच नहीं थी, उसी का ये परिणाम है। और इतना ही नहीं, अब तो वो ताल ठोक कर कहने की लगे गए हैं कि मुझे जो उन्होंने गाली दी उसमें कुछ गलत नहीं था। साथियों, नामदार के परिवार ने, उनके साथियों ने इसी अहंकार के साथ देश पर दशकों तक शासन किया है।